हाय दोस्तों, जय हिंद। यहाँ पे परछंगे राजा पेट्रोल पंप के बगल से धन्नू चाय वाली की दुकान में यहाँ पे एक कोबरा स्नेक निकला है, जिसकी फोन द्वारा सूचना मिलने पर डिप्टी संतोष कॉल बफर क्षेत्र के अधिकारी उनके द्वारा यहाँ आदेश मिलने पर हम लोग रेस्क्यू करने आए हैं। कोबरा प्रजाति के स्नेक है और आप देखिए, मेरे साथ बने रहें और अभी इसको मैं हम लोग रिलीव पकड़ेंगे, फिर इसको जंगल में बड़ी सेंचुरियों में रिलीव करेंगे। अभी आप देखिए, इसके बाद आपको आगे की पूरी वीडियो आप लोग को मिलेगी देखने के लिए और इसके बाद आपको यूट्यूब में मिलेगी। स्नेक मन्नान खान अजयगढ़ चैनल है और दोस्तों आप जो है चैनल जरूर देखें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, घंटी लाल दबा दें दोस्तों, इसलिए कि आपको इसकी जानकारी बाकी हमारी यूट्यूब चैनल में मिलेंगी। स्नेकों की जारकानी, रंगने वाले जीवों की जानकारी, चार पाँव के जीवों की जानकारी देखिए दोस्तों, आपको स्नेक दिखाते हैं। भैया बताना जो नाम ना। नहीं नहीं नहीं, आप जरा दूर रहें थोड़ा सा, वो आपको बताइए धीरे धीरे। ये इसी की तरफ मुड़ कर बैठा है, वो उधर मुड़ कर पीछे मुंडी पीछे कर, ये इसी साइड है मुड़। बोल भैया तुम करो जा, जमीन छोड़ दो पूरी। हाँ ये यार काला है यार, एकदम यार बहुत काला है वो, पकड़ लो वो, गलत दबो याद आ जाओ, गलत दबो जाओ, काला है भाई, काला है, दूर रहना, सब दूर रहना, दबा लेना भाई जान, हम बस 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 कुछ नहीं, बस अब ले चलो। हाँ वीडियो बराबर बन रही है, ले जाओ दूर से, ले जाओ दूर से, कोबरा है, कोबरा है, कोबरा है, कोबरा है, बहुत फूस रहा है, आज खतरनाक सांप है, इसको हम लोग बाहर बाहर निकालेंगे। जी 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 सर, जी सर, देखिए दोस्तों ये जो स्नेक आप देख रहे हैं ये कोबरा प्रजाति के स्नेक है जो नवजात है, अपनी जवानी का पूरा है और ये स्नेक जो आप देख रहे हैं इनको जो है हम लोगों ने यहाँ से पकड़ा है और हम लोग जाके ना जंगल में रिलीव करेंगे। अलग करो, अलग करो यार भाई, ये थोड़ा दो मिनट मुंह देखो इसको, चलाक रहा। इसको जो है हम लोग देखिए जिस तरफ ध्यान करेंगे उसी तरफ कोबरा प्रजाति का स्नेक जो है इसको वहाँ जो है उसी का ध्यान जाएगा। देखिए कैमरामैन जी, कैमरा बिल्कुल नहले, देखिए छोड़ देंगे हम आपको पाँच मिनट। देखिए जो ये स्नेक जो है झोला देख के काटने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए झोला ना दिखाइए आप, देखिए ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है और इसके काटने से इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है और अगर जो न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है अगर किसी को काट ले तो ओझा और गुनिया के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों, तत्काल हॉस्पिटल जाके एंटीडोज इंजेक्शन लें, चिकित्सालय जो पास में हो वहां जाएं दोस्तों, और अगर जो है आपको कहीं ऐसे सर्प मिलते हैं देखने के लिए तो दोस्तों जरूर हमें फोन लगाएं। हमारे क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के अंतर्गत के एरिया में दोस्तों लोग बागों ने जानवर मारना बंद कर दिया है दोस्तों, और हम लोग जो है रेस्क्यू कर जंगलों में बड़ी बड़ी सेंचुरियों में और पहाड़ियों में छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों ये काटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ये बहुत ही खतरनाक है, उसका देख रहे हैं आप मुँह कितना खतरनाक खोल रहा है दोस्तों, ये फॉरेस्ट सेंचुरियों में रिलीव होगा, देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक सर्प है। और शिक्षा के बिना दोस्तों जिंदगी अधूरी है, अपने लड़के बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाएं और बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं दोस्तों, आप इसको देख रहे हैं कोबरा प्रजाति के जो स्नेक हम लोगों ने पकड़ा है, देखिए अब हम इसको बंद करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल तुम दिल से बात हो यार सुन रहे हो, देखिए हम लोग इसको बंद करते हैं क्योंकि दोस्तों काटने के लिए बेताब है, देखिए देखिए हम लोगों ने इसको बंद कर लिया दोस्तों,
देखिए इसको हम लोग अभी जंगल की ओर लेके जाएंगे अभी दोस्तों, अभी बाकी जानकारी अभी मैं आपको देते हैं, थोड़ा दो मिनट रुकिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने इसको बंद कर लिया है और यहाँ पे हमारे साथ में काफ़ी दोस्त यार मौजूद हैं जो हमारे वन जानवर बचाने में, वन प्राणी बचाने में सहयोग करते हैं, जैसे कि लखन भाई, ये सामने आओ लखन भाई, हाँ बोलो, जैसे कि लखन भाई और हमारे अन्य दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे जो बफर के चौकीदार जी हैं राजू जी, वो यहाँ भी मौजूद हैं, वो भी हमारे इस काम में साथ देते हैं जी जी। और हमें यहाँ पे हमारे जो पन्ना रिजर्व टाइगर के जी, जो डिप्टी साहब और रेंजर साहब जी और रिजर्व टाइगर के जितने भी कर्मचारी हैं वो में हमारा इस काम में सहयोग करते हैं जी। और हम लोगों रेंगने वाले जीव, चार पाँव के जीवों का रेस्क्यू कर बस्ती में घुसने पर हम उनका रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ते हैं दोस्तों। और हमारे साथ आप बने रहिए और आपको ऐसी जानकारी यूट्यूब में मिलती रहेंगी दोस्तों। और हमारे चैनल का नाम है स्नेक मन्नान खान अजयगढ़, यूट्यूब में जरूर सर्च करें दोस्तों, देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल की घंटी नहीं दबाई है तो लाल बटन जरूर दबा दें जी, इसलिए कि अगर लाल बटन आप दबाएंगे तो हमारे पूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी जानवरों की जी। और एक से एक जानवर रेंगने वाले चार पांव के जीवों को आपको देखने के लिए मिलता रहेगा, उनके बारे की जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों जी। हम लोग ऐसे जानवर पकड़ के सुरक्षित तरीके से इनको जंगल पहुंचाने का कार्य करते हैं और हमारे साथ में पूरी टीम चलती है और हमारा जो है यहाँ 20 से 25 किलोमीटर के अंतर्गत के एरिया में लोग बागों ने जीवों को मारना बंद कर दिया है जी। और हमारे इस कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, सांपों का बचाने का अभियान। और दोस्तों आप भी एक वन बचाएं और एक वन जीव बचाएं। और दोस्तों आप अगर आप एक वन्य प्राणी की जान बचा सकते हैं तो आप भी कोशिश करें बचाने की दोस्तों। आप अगर मान लो हमारे अजयगढ़ या 65 पंचायतों में लगे निकलता है तो आप जब देख के हमें कॉल करते हैं, अगर वो सांप वो जान बच जाएगी तो आपका श्रेय होगा उसको बचाने में जी जी जी। एक बार मन्नान खान में ये सुनना, आपके रहने से हम लोग को बहुत सहूलियत है, आपको शासन की तरफ से थोड़ा और मिलना चाहिए, मेरी के आपकी को कहने का मान लो एक अपना हक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। एक मिनट, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिख रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप जी सुनो, देखिए हमसे कुछ भाई कहना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे। नहीं मैं ये कहता हूँ मन्नान खान, आप ये कब से काम कर रहे हैं आप? हमें तो हो गया करीब 3 साल से ऊपर जी जी जी। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप बहुत रिस्क वाला काम कर रहे हैं भाई। देखो क्या है कि वन जीव हमने बचा लिया जी जी, और अगर हमने दिन भरे में या एक महीने में 10 ही जानवर बचा लिए तो 10 जानवरों की हमने जान बचा ली जी जी। वो आपका कहना अच्छा है, इससे ज्यादा सुकून हमें कुछ नहीं मिलता है दोस्तों जी जी जी। मेरा कहना है आपका, ठीक है, आप लोग आप ये कहते हैं मैंने 10 जीव 15 जीव अपन ने बचा लिए हैं, इसका आपको लाभ क्या मिल रहा था ये बताइए मेरे? लाभ हमें कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, लेकिन क्या है कि अगर बचाया है तो सुकून मिलता है जी, और सुकून के अलावा प्रकृति की संतुलन बनता है जानवरों से, और जंगल जो है सुरक्षित रहता है और जानवर होने पर जंगल खूबसूरत रहता है। और इसी तरह हम भी पकड़ते हैं और दोस्तों सभी कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें जो है एक वन बचाएं और एक वन जीव बचाएं जी जी। आपकी जो भावना है आपकी अच्छी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके लिए कुछ साधन दे रही है तो फ्री काम कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमको आश्वासन भर मिल रहा है। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी तो सब आप ही लोग हो। नहीं, नहीं, आप लगे हो हमारे साथ में, मान लो आप चाहिए। चलिए यहाँ हमारे साथ लखन जी भी है, कुछ हाँ। कहेंगे आप? देखो हमारा बस यही है कि हमारे जो अधिकारी गढ़ हैं वो आपका मान लो जीवन यापन के सहारे है ना, कुछ आपके बारे में सोचे ताकि आप अपनी जिंदगी का दाव लगा के सब काम करते हैं। लाखों आदमी जैसा वो अभी कौन से गांव में बच्चे की मौत भाई अचानक सामने कर लेते, धर्म के पास एक गाँव वहाँ अचानक, अगर शायद मन्नान खान वहाँ होते उसकी जान बचती, क्योंकि उस सच को पकड़ लेते
डबल काम करते, इसलिए काम करते कि एक जीव की जान बचाते हैं और दूसरा इंसान की जान बचाते हैं। इन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने बाल बच्चों की जान जोखिम में लगा के अपनी दूसरे का हिफाजत कर रहा है, जान बचा रहा है, जनता बचा रहा है, प्रशासन की है। अब जैसे हमारे DFO साहब हैं और बफर जोन वाले हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो अपने यहाँ प्रॉपर डिप्टी साहब हैं उनके ऊपर प्लस रेंजर साहब हैं, इनको इनके बारे में ध्यान मालूम ख्याल रखना चाहिए। तो क्या हम जो है बहुत फूस रहा है, क्या हमारा काम आपको सहाय नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब लगा, बहुत इतना अच्छा लगा, कोई भी एक पागल व्यक्ति भी देखेगा तो यही कहेगा बहुत अच्छा काम, क्योंकि इंसान को अगर काटेगा तो इंसान इससे बचता नहीं है। जी जी, आप तो कई इंसानों कई जान बचा रहे, डबल वो कर रहे हैं, लेकिन अपना जान जोखिम में लगा, आपको कुछ होता है आपके बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, अधिकारीगढ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर देख सकते हैं उनको, इनके ऊपर उनको दया दृष्टि या भावना है कि हम मनमोहन खान अच्छा काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो निराकरण कर रहे हैं। हमारा तो सोच यही है कि निवेदन यही है बड़े महान अधिकारियों गणों से कि इनका आगे भला हो, ताकि जो नानून अपनी देसी भाषा में बच्चे लोग हैं, कल के दिन कुछ भगवान करे ना हो, होता है तो ना होते छोटा सा इनका बीमा क्लस कर दिया जाए या कुछ कर दिया, मान लो उनके ऊपर अच्छा नहीं होता। चलिए, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए कुछ तो कहा, आपके लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए, आप बच्चों के लिए देखा, आपकी जगह थोड़ी देर DFO साहब या रेंजर साहब या डिप्टी साहब या चौकीदार साहब जो अपने खड़े हैं ये होते तो अदर लोग भी इनके प्रति यही बोलते। चलिए, चौकीदार जी से ही मिलते हैं, राजू जी चौकीदार जी हमारे बफर के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे हमारे लिए, क्या मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ? जरूर कर रहे हो, तो आपकी नजर में हमारा ये काम कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा, मैं भी लगा रहता हूँ यही। हमारे जो राजू जी चौकीदार जी खड़े हैं आपके सामने दोस्तों, ये हमारे साथ में जानवर और वन्य प्राणी बचाने का साथ में काम करते हैं, और हमारे जो ये मेहम मित्रगण हैं ये सभी लोग सांप बचाने में और वन्य प्राणी बचाने में हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, हमारा जो था वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों यूट्यूब में इस जरूर देखें स्नेक मन्नान खान अजयगढ़, इसलिए कि आप देखोगे तो हमारी बात आगे तक जाएगी। हमारा कार्य है काम करना। जय हिंद।